वेलकम फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं मेरे पास में एक ओरियो बिस्कुट है, एक नहीं बल्कि दो ओरियो बिस्कुट है। और इस बिस्कुट से हम एक आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी घर में, और अपने घर के फ्रिज में इसे जमाएंगे। और इसका फ्लेवर भी बहुत मस्त होने वाला है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे इस वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है वीडियो, आप भी इसे घर में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले दो ओरियो बिस्कुट लिए हैं, और इसे क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा इस प्रकार से स्क्रैच कर देंगे ताकि यह अंदर में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो इसके लिए तो एक हैमर लिए हैं, और इसी की सहायता से इसे हम थोड़ा सा इसे चूर कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से, यह बहुत ही आसान है, आप भी घर में कर सकते हैं। तो दोनों ही पैकेट को हम चूर कर दिए हैं, और इसके बाद अभी बीचों बीच कटिंग करने के लिए हम एक ब्लेड की सहायता से इसे अच्छी तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे हम चार पार्ट में कर दिए हैं, इसे चार पीस हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं। और इस तो दोस्तों, इसे सही से रखने के लिए हम चार डिस्पोजल का सहायता लेंगे, और इसी के अंदर हम इसे रखते हैं। के अंदर अब क्या करेंगे, कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे, और फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क। तो हमारे पास सूखा पाउडर है, तो सूखा पाउडर का मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। शुगर भी ऐड कर देंगे ताकि यह मीठा हो जाए। और इसमें हम देख सकते हैं मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो सभी में हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कर देते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बेहतर लग सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह चार अलग अलग ग्लास में हमने आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार कर लिए हैं। और इसमें हम क्या किए हैं, मिल्क थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड किए हैं, थोड़ा सा भी और है तो इसे भी हम डाल देते हैं। और इसमें कुछ एक एक चम्मच शुगर डाल देंगे, और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी गर्म डालेंगे ताकि यह पाउडर जो सूखा पाउडर है, यह अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो सके। तो थोड़ा थोड़ा सभी में हम शुगर दे दिए ताकि यह मीठा हो सके। और तो अब इसमें हम पानी को भी ऐड कर देते हैं, तो जितना इसमें पानी एब्जॉर्ब कर सके उतना हम पानी इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसे फ्रिज में कम से कम 4 से 5 घंटे तक रख देंगे ताकि यह अच्छी तरीके से जम कर आइसक्रीम बन जाए। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं यह हमारा पूरी तरीके से रेडी हो गया है। और अब इसमें बारी है, एक स्टिक डाल देते हैं ताकि यह अच्छी तरीके से आइसक्रीम का लुक इसे मिल जाए। तो अब इसे हम चलते हैं फ्रिज की ओर और फ्रिज में डालते हैं, और इसके बाद इसे जमने के बाद आपको दिखाते हैं कि यह किस प्रकार से हमारा आइसक्रीम बना है और इसका स्वाद कैसा है। तो अब हमारा आइसक्रीम जो है पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें आइसक्रीम का लुक भी आ रहा है, और इसका कलर भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। तो अब हम आपको दिखा दें कि यह देख सकते हैं हमारे पास फ्रिज है, और इसी फ्रिज में अभी हम इस फ्रीजर में देने वाले हैं जमने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें हम रख देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम फ्रीजर में रख दिए हैं, और इसे अब हम इसे बंद कर देते हैं। और इसका टेम्परेचर भी हमने फुल कर दिया है ताकि यह जल्दी जम जाए। तो करते हैं हम कुछ देर इंतज़ार। तो अब हमारा आइसक्रीम रेडी हो चुका है, तो चलिए अब देखते हैं फ्रिज को खोल कर कि हमारा आइसक्रीम किस प्रकार से जमा है। तो चलिए आपको आइसक्रीम दिखाते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज को ओपन करते हैं। तो आपको दिखा दें कि देख सकते हैं कि यह हमारा आइसक्रीम, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसके अंदर देख सकते हैं बर्फ भी आ गया है। तो यह चार हमने दिया था, और तो दोस्तों यह आइसक्रीम बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है। तो देख सकते हैं यह आइसक्रीम का लुक, आप देख सकते हैं यह हमारा है ओरियो आइसक्रीम, जो कि मार्केट में आपको इस तरह का फ्लेवर नहीं मिलेगा आइसक्रीम का। तो फिलहाल अभी दो को साइड रखते हैं और एक को ओपन करते हैं। तो इसे खोलने के लिए कुछ इस प्रकार से, तो दोस्तों देख सकते हैं यह बिल्कुल सॉफ्ट आइसक्रीम बन चुका है, जैसा कि
तो दोस्तों आप देखिए यह आइसक्रीम आपको देखकर कैसा लग रहा है। आइसक्रीम बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा आप आइसक्रीम मार्केट से खरीदते हैं उससे कई गुना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब बारी है इसे ट्राई करते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो स्वाद तो हमें पता है कि इतना मेहनत किए तो अच्छा ही होगा, तो चलिए अब ट्राई भी कर लेते हैं। बिल्कुल मस्त लग रहा है इसका स्वाद, क्योंकि इसमें हमने दूध दिया है और ओरियो बिस्कुट है, तो इसका स्वाद तो ज़बरदस्त लगेगा ही। इतना अच्छा स्वाद है कि आप इसे एक बार घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो आप अगर पूरा वीडियो देखें तो आप समझ गए होंगे कि इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।